जो इनका मान सम्मान है सर, इन्होंने मेरे को ये अपना मान सम्मान दिया है, ये बैंगलोर का सर मान सम्मान है जो कि पंजाब में आके देके गई है सर। देखिए गाय लेना था, पैसा देना था, और ये चीजें प्यार से मिलती है। अगर आप बोलोगे भी ऐसे मिल जाएगी तो नहीं मिल सकती सर। हमको खुशी है सर आपसे मिलकर, खुशी है आपका फार्म का, खुशी है ओके, आपका जेंटलनेस खुशी है, आपका ये मुस्कुराहट खुशी है, आपका नॉलेज खुशी है, सभी मिला के हम इतना दूर से काय को आया बिकॉज ऑफ योर नॉलेज सर। सेकंड लिटेशन में 480 था, 60 था, डेनमार्क 40-120 किया सर। रमाडा के सीमन से प्रेग्नेंट है विद स्ट्रॉ के साथ देंगे, और गुजरात में जा रही है सर, पालनपुर डिस्ट्रिक्ट में। और देखिए सर दोनों की दोनों गाय फर्स्ट में है सर, एक डेनमार्क की है सर, एक ब्रूट की है, और देखिए दो दो दांत सर, दोनों की दोनों ये 2,10,000 में पेयर जा रहे हैं सर। दूध दोनों का सर 40-40 लीटर, ये 35-5 लीटर वाली ब्रीड है, ब्रीड है जिसको बोलते हैं सर आदमी। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो बना रहे हैं गुरविंदर भाई के पास। आज इनके पास टॉप क्वालिटी की ब्रीड है, जो कि आपको पता है ब्रीड तो इनके पास हर रोज़ होती ही है। आज इनके पास काफ़ी दूर से किसान आए हैं, जिन्होंने यहां पर आकर स्पेशल गुरविंदर भाई का मान सम्मान किया और पगड़ी पहनाई गई। आपको पता है कि पंजाब में या अदर स्टेट में पगड़ी की क्या अहमियत है। ये किसानों का प्यार है, जो कि पैसे से नहीं, अगर किसानों को अच्छी चीज़ दोगे तब आप ये प्यार कमा सकते हो। और गुरविंदर को बाखूब पूरे भारत के किसान दिल से प्यार करते हैं, और बड़ी वेट करते रहते हैं कि इनकी वीडियो, किसान कहते हैं कि रोज़ आप एक वीडियो डाल दिया करो। इस हद तक किसान गुरविंदर की वीडियो की वेट करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास टॉप क्वालिटी की ब्रीड होती है, और पता है कि इनका रेट है जो बड़ा जेन्युइन होगा और सारी मार्केट से रेट सस्ता होगा, और जो गाय मिलेगी वो सारी मार्केट से टॉप मिलेगी। तो आज गुरविंदर के पास जो गाय हैं, जो इन्होंने सेल करी है, वो गाय आपको चलाकर दिखाएंगे क्या रेट की है, कितने दूध की है, उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। उससे पहले जो किसान मालवा फार्म के साथ नहीं जुड़े, मालवा फार्म के पेज को फॉलो करो और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो आइए गुरविंदर भाई के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं, और उसके बाद जो किसान आए हैं उनके साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार सर जी, क्या हाल है? बढ़िया सर। आज फार्म पे टोटल कितने एनिमल हैं? फार्म पे तो हर रोज गाड़ियां लोडिंग हो रही है, जैसे कल महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट को गई है, परसों नगर को गई है सर, आज बैंगलोर को जा रहे हैं एनिमल, फार्मर खुद आए हुए हैं। कितने एनिमल जा रहे हैं आज? 20-10 एनिमल हर रोज कंटिन्यूस सेल हो रहे हैं सर। एनिमल के सिवाय हम हर रोज नई कंसेप्ट लेके आते हैं, हम किसी की कॉपी नहीं करते। ये भी बात आपको पता भी, हमारे पास एक डिफरेंट टाइप के एनिमल होते हैं, जो कि हर वीडियो में एक नई सी नई ब्रीड दिखेगी आपको। सेकंड टाइम बोलूंगा मैं आपको, यंग एज को यही बोलना चाहूंगा, यंग एज डेयरी फार्म किस लिए करती है? वो एक पैसों के लिए करती है, बड़ी अच्छी बात। अभी हर चीज डेयरी फार्म पैसों के लिए किया जाता है, पर मैं उनको बोलूंगा डेयरी फार्म करने से पहले आपका एक शौक भी होना चाहिए। शौक इस काम के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका इनके साथ प्यार रहेगा, शौक रहेगा, तो ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर आपके पास शौक नहीं, आप खाली पैसों के लिए बिजनेस कर रहे हो, तो आप डेयरी फार्म वहीं पे स्टॉप कर दो। दूसरी बात, आप डेयरी फार्म करने से पहले आप यंग एज को बोलना चाहूंगा कि प्रॉपर प्रिपेयर हो जाओ कि हमने इस धंधे में घुसना ही है, क्योंकि देखने में चीज बहुत अच्छी लगती है, देखने में चीज अच्छी लगती है। जब काम करना पड़ता है तो हम बोलते हैं कहाँ फंस गए, कहाँ डिफिकल्ट हो गया, ऊपर से अपने लोन लिया होता है वो भी अपने ऊपर चढ़ जाए। भाई अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो तो बहुत प्रॉपर अपने आप को प्रॉपर सॉलिड करके इस लाइन में आओ, भी आज के बाद बहुत सारी चीजें टूटेगी, उसके बाद आपका दोस्तों का आना जाना टूटेगा, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग आपको काम होता है इनके साथ, 2 घंटे मॉर्निंग 2 घंटे इवनिंग चाहिए, तो फ्रेंड सर्कल भी टूट जाता है, घूमना भी टूट जाता है। वो किस मंथ के 3 या 4 मंथ के लिए सभी चीजें छोड़नी पड़ती है, फिर आप इस लाइन में आओ, नहीं तो अपने मदर फादर का पैसा मत वेस्ट करो। क्योंकि हाल ही में 2-4 चीजें मैं देख चुका हूँ, तभी मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, हालांकि अपने से एनिमल नहीं लेके गए, पर फिर भी मैं उनको बोलता हूँ अगर आपके पास जज्बा है ना भी कुछ करने का, तो आप इस आंखें बंद करके इस लाइन में आओ। अगर आपका मन है भी हम पैसों से बिजनेस करना चाहते हैं, पैसों से कभी नहीं बिजनेस होता, प्यार से कैसे बिजनेस होएगा? प्यार से ऐसे बिजनेस होएगा भी आप इनकी नेक्स्ट जनरेशन तैयार करोगे। आप 2 साल बाहर से एनिमल प्रोसेसिंग करो, 3रे साल आपके खुद के घर के पैदा होने चाहिए, जो कि पीछे आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं, वो पैदा होना चाहिए, तो फिर आप एक आगे डेयरी फार्म सक्सेसफुल की तरफ जाएगा।
और यंग एज को खासकर प्रमोट कर बोल रहा हूँ, आज आपके पास समय है। जब समय टप गया तो फिर पछताए का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज आप बहुत सारी चीजें कर लेते हो, घूमना फिरना हो जाता है, गाड़ियां हो जाती हैं, मदर फादर के पैसे पे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो। हमारे पंजाबी में कहावत भी, तब पछताए का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया ने खेत ही चुग लिया फिर पछताए का कोई फायदा नहीं है। आने वाले दिनों में डे बाई डे महंगाई का जमाना आ रहा है। गवर्नमेंट नहीं आपको जॉब नहीं दे सकती, गवर्नमेंट ने अपना आपको सपोर्ट नहीं कर सकती, आपको खुद के बिजनेस खड़े करने पड़ेंगे। बहुत जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, दूध का भाव यही नहीं रहेगा, दूध का भाव बहुत जल्दी 50 से प्लस 50 के 60 के प्लस जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है सभी स्टेटों में नकली दूध पे बहुत सारी बैन कर रही है, बहुत ज्यादा छापेमारी हो रही है। पंजाब की बात करूँ तो बहुत ज्यादा नकली दूध बंद हो रहा है। ऐसे ही सभी गवर्नमेंट हेल्थ को लेकर बहुत सारी चीजें इशू कर रहे हैं, वो अपने को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। उनको पता भी हमारे फार्मर की जो जीडीपी है बहुत डाउन चल रही है, उनको ऊपर लेके जाना, उनके कैसे लेके जाना है, वो चीजें आप अगर डीपली जाओगे तो बहुत चीजें पता चलती है। एनिमल के ऊपर तो हर रोज बात होती रहती है, एनिमल के ऊपर हर रोज सेल करते रहते हैं। आज के एनिमल जो बैंगलोर जा रहे हैं, फार्मर खुद आए हुए हैं, सभी एनिमल 8-8 मंथ के प्रेगनेंट है, यानी कि 1-1 मंथ पेंडिंग है। कुछ एनिमल रेडी है वो महाराष्ट्र को जा रहे हैं। एनिमल तो हर रोज चला जाता है, हर रोज आता जाता है, पर आप एक मैं बोलना चाहूंगा, उसी से प्रोसेसिंग करो जो आपको एक बेस्ट फार्मर लग रहा है ना। तो आज तक गुरविंदर ने बोला भी मेरे से प्रोसेसिंग करो, ना मैं बोलने वाला हूं कभी। अगर आपको काम अच्छा लग रहा तो वेलकम है, नहीं अच्छा लग रहा तो बहुत सारे डेयरी फार्म बड़े। आज तक कोई भी वीडियो में ऐसा नहीं बोलता। एवरेज रेट बता दीजिए आज की जो गाय है। एवरेज रेट हमारा जो 70 से स्टार्टिंग होके सर 150 तक एवरेज रेट रहता है। और कस्टमर को जरूर बोलना चाहूंगा, हाथ जोड़ के बेनती है भी आप टिकट जरूर सेंड करो, क्योंकि आपको वेटिंग में नहीं बैठा। मैंने जैसे आज महाराष्ट्र के आए थे, वो दो पार्टियां वेटिंग में बैठी, तो आपको वो बोलने हैं, बड़ा सुकून भी मिलता है। बोलते हैं कि हमने एनिमल आपसे लेने चाहे 3 दिन बैठा के रखो, आप अगर टिकट पहले सेंड करोगे तो आपको वेटिंग में नहीं बैठना पड़ेगा। आप टिकट सेंड करो, आपको प्रॉपर टाइम देंगे। हमें ऐसा नहीं है अभी, हमें एक दिन में 10 एनिमल भी प्रोसेसिंग करते हैं, एक दिन में 50 एनिमल भी प्रोसेसिंग कर लेते हैं, सेल कर देंगे, पर हमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमें अच्छे एनिमल ढूंढने के लिए समय चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं भी अगर 500 एनिमल देखते हैं तो उसमें बड़ा मुश्किल से 50 एनिमल पसंद आते हैं। अभी आज गुरविंदर का लेवल इस लेवल पे पहुंच गया, अगर 500 एनिमल से 50 एनिमल पसंद आते हैं। अगर हर कोई बोल देंगे भी उन्होंने तो लेके जाने हैं, उस स्टेट जाने हैं, ये तो हमें पहचानने वाले हैं, जाए हैं जैसा है, तो वो बात का मजा नहीं आता जब तक उनको, हमें खुद का मजा नहीं आता। आप गाय जहां से लेके वहां तक कैमरा मारो, सभी एक से एक बढ़कर एनिमल। तो आज की गाय चलाकर दिखा दीजिए। ये पहली गाय कौन से लोकेशन में है सर? सेकंड लोकेशन में फोर ही टीचर सिक्स के थारी डेनमार्क 40120 की है सर। रमाडा के सीमन से प्रेग्नेंट है, विद स्ट्रॉ के साथ देंगे, और गुजरात में जा रही है सर, पालमपुर डिस्ट्रिक्ट में। और देखिए सर, हमारी हर एक गाय में बोलता हूँ मैं, टैलेंट होएगा, कुछ ना कुछ अलग होएगा, डिफरेंट होएगा। लेग स्कोर के ऊपर हट रहा है सर, हाजल का गैप देखिए सर, गाय खाड़े में पहलवान चल रहा है ना सर, ऐसी इतनी बड़ी हाइट है। और प्रॉपर देखिए डाइट प्लान, हाइट, लेंथ, बॉडी वेट, बीसेस लेवल देखिए गाय का कितना अच्छा है सर। दूध की एवरेज नियर अबाउट ऐसे एनिमल ने 40 लीटर दे देना सर बॉडी वेट के हिसाब से, क्योंकि 34-35 फर्स्ट का रिकॉर्ड जैसे चेक किया सर हमने वैसे चली हुई है। मिल्किंग टाइम अभी 5-4 दिन देगी बच्चा लेने का। कहां जा रही है सर? गुजरात में पालनपुर डिस्ट्रिक्ट में जा रही है जी। किस रेट में सर? ये 1,05,000 में दिए सर, 40 लीटर बोल के दिया है 101%। अगर फार्मर को अच्छी नॉलेज है, कोई नहीं बोलता फार्मर को अच्छी नॉलेज है, 40 लीटर से नीचे नहीं आएगी। अगर फार्मर को थोड़ी बहुत नॉलेज कम है तो 35 लीटर से नीचे नहीं आना इसने सर। मैं एफिडेविट पे लेके दे देता हूँ। और गाय का बॉडी वेट, क्योंकि हमें पता भी फार्मर को कम नॉलेज होते हैं, हम उसी हिसाब की ब्रीड ही देते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग ने जो भी अपने दम पे मिल्किंग कर देना है, ब्रीडिंग ने जो भी अपने दम पे मिल्किंग कर देना है, अगर अच्छी ब्रीड रहेगी तो एक अच्छा मिल्किंग कर देगी और फार्मर भी खुश हो जाएगा सर। और ब्रीडिंग के प्लस से साथ साथ इन्होंने बच्चे भी अच्छे देने हैं, बच्चे अच्छे देंगी तो उनका जो डेयरी फार्म एक आगे को जाएगा तो फार्मर फिर बैकअप आएगा। गुरविंदर के पास ऐसे कोई जादू नहीं है भी फार्मर को बैकअप बुला रहा है, उसका कोई जादू टूना नहीं करता, वो नहीं सीखा है, इन्हीं की बदौलत वो वापस आ रहे हैं, एक अच्छे एनिमल दे रहे हैं। तो अगली गाय कौन सी चलाओगे? देखिए सर, 8 मंथ प्रेगनेंट है, अभी आर्डर से आइडिया नहीं लगा सकते, ब्रीडों से आइडिया लगा सकते हैं। ये ब्रीड बोलना तो कोई आसान है आज के टाइम में, मैं फिर बोलता हूँ, मैं 3 मंथ पहले से बोल रहा हूँ भी, जब आपका समय चलता है ना तो बरसाती मेंढक बहुत आते हैं, जब सीजन सर्जी का चल जाता है बरसाती मेंढक बहुत आते हैं, तो जो ब्रीड वाला बंदा है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। और इन ब्रीडों को परखने के लिए मैं बोलता हूँ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। व्हाइट कलर ब्रीड नहीं होती, व्हाइट कलर ब्रीड ने फेस क्वालिटी देखिए सर, वर्ल्ड वाइड किया सर, आगे इसको
सीमन का रिकॉर्ड है जो सारा आपको बायोडाटा दिया जाएगा। लैक्टेशन लैक्टेशन सेकंड टेस्ट सेकंड लैक्टेशन फोर टीथ सर, ओरिजिनल चार दांत है सर, ऐसा नहीं अभी छह क्यों उठा रही है, चार ही दांत है। बॉडी वेट देखिए कितना परफेक्ट है, 8 मंथ प्रेगनेंट है सर, 1 मंथ पेंडिंग है, बैंगलोर को जा रही है सर, बैंगलोर के फार्मर खुद आए हुए हैं सर। क्या रेट में? और सेल्फ टवास्को के सीमन से प्रेगनेंट है सर ये। क्या रेट में जा रही है? सर रेट की बात करेंगे तो हम 95 में दिए 1 मंथ, अगर इसका रेडी होती तो आज 1,10,000 की थी। 95 में कितना बताया आपने? सर मैंने 40 लीटर नॉर्मल बात है इसके लिए सर, 40 लीटर और 1 मंथ पेंडिंग है, इसलिए हम बोल रहे हैं हाइट में काफी अच्छी है ना, बहुत अच्छे ब्रीडिंग के मामले में। और दूसरा चैलेंज ऐसे रेट में कोई दे देता, मैं फिर बोलता हूँ 80 में आपको अगर कोई बोल रहा है भी 30 लीटर वाले एनिमल दे दूंगा तो नहीं दे सकता, वो आपके साथ दरअसल फ्रॉड हो रहा है। ब्रीडिंग पे ही आप फोकस करो, कहीं से भी एनिमल ले लो, आज गुरविंदर से नहीं ले रहे, कहीं और से ले लो, कहीं और से लो, पर एक कंटिन्यूस जाने वाले उसका एनिमल का जो सेल कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड चेक करो भी, वास्तव में एनिमल सेल हुए हैं ये ऐसी फेक है, उसका बैकग्राउंड चेक करते हुए उसको उसका देखो भी उसने अपनी स्टेट में एनिमल कहीं दिए हुए हैं, फिर आप एनिमल परचेजिंग करो। अगर अच्छे लगे बीसेस लेवल देखिए सर, अभी गाय का बिल्कुल लो फैट, और मैं आपको बताना चाहूंगा कुल्लों का साइज देखिए, बिल्कुल देखिए ऊपर वाला चढ़ाई देखिए, एक मिनट रुकना, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना चार पाई उड़ा के बंदा इसके ऊपर सो जाए तो भी नीचे नहीं गिरेगा। देखो चढ़ाई देखिए सर, 2 गिट से ज्यादा नक की लंबाई देखिए सर, फेवरेट गाय है सर आज की मेरी, और बहुत अच्छा मान है इस गर्व ऐसे एनिमल के, मैं होता तो 40 के बाद भी मिल्किंग कर लेता, लेकिन मैं फार्मर को बोलता हूँ 0 लेवल का पाऊ है सर, पाऊ देखिए 0 लेवल का फिटनेस वाला आर्डर, बिल्कुल छोटा आर्डर उतारेगी। और ऐसे ऐसे एनिमल बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, जो ब्रीडें होते हैं उनकी पहचान अलग ही कर सकते हैं, ब्रीडों की मैं बोलता हूँ सोने की पहचान सुनार ही कर सकता है, तो जो ब्रीड को परखने वाला वो ब्रीड की पहचान करेगा सर। इस गाय के बारे में बता दीजिए सर, सेकंड लैक्टेशन में 6 टीथ, हर गाय का एक अलग रुतबा है सर, हर गाय का एक अलग वो फेस क्वालिटी से गाय जज हो जाती है सर। देखिए ये फार्म से आई हुई गाय है, कभी मूरी तो आज ही डालिए, देखिए खुली आई है गाय, और हाइट लेंथ बॉडी वेट देखिए सर, 42 लीटर 6 टीथ है जी गाय, 6 टीथ है, और 42 लीटर दूध दिया हुआ गाय ने, फास्ट का रिकॉर्ड है जी। और मैं फार्मर तो बोलता था हमारी सेकंड में 50 लीटर पे चलती है, लेकिन मैं फार्मर को फिर भी बैंगलोर में जा रही है 50, मैं फार्मर को 40 लीटर ही बोला, 50 नहीं बोला, 50 बोल सकता हूँ, ऐसे एनिमल का 60 बोल सकता हूँ, बोलने के क्या जवानी हुलानी है, पर बोलने का वो नहीं है सर, आगे जाके दे मिल्किंग तभी मजा आता है। कहाँ जा रही है? बैंगलोर जा रही है सर, आज खुशी होता है, कभी बोलते थे ब्रीड बैंगलोर में मिलती है, पर लेकिन बैंगलोर वाले हमारे पंजाब से ब्रीड प्रोसेसिंग करने आ रहे हैं, बड़ी खुशी होता है पंजाब इस लेवल पे पहुंच गया। आपने कितना सर? मैं 40 लीटर बोला, 40 लीटर सर। क्या रेट में? 1,10,000 में दिया सर, और नॉर्मल रेट है सर, और इधर ही इनको प्रोडक्ट मिल रहा था, लेकिन उन्होंने बोला भी हमें ब्रीड प्रोसेसिंग करनी है, ब्रीड के लिए आए हैं, क्योंकि बैंगलोर में हमारी ब्रीड खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने वहां तक ध्यान ही नहीं दिया, जहां तक पंजाब का डेवलपमेंट हो गया ना, वहां तक उनकी ब्रीड जो ध्यान ही नहीं दिया उसने, तो मैं बताना चाहूंगा पंजाब का नाम ब्रीड के मामले में जिस स्टेट से मैं एनिमल HF का नाम चलता था उसमें पंजाब का नाम आज सबसे ऊपर है सर, बैंगलोर की बात करूँ तो बड़ा सुकून मिलता है सर ब्रीड के मामले में, और जानकारी देके और खुद जानकारी देके एनिमल लिए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी जानकारी जिन्होंने एनिमल लिए, सीमन बैंक में काम कर चुके हैं और ऐसे ऐसे एनिमल सेलेक्ट किए हैं ना, और उनको मैं एक चॉइस की भी, आप बहुत सारे डॉक्टर हो, आप हर तरह की आदमी जानते हो, नॉलेज जानते हो, बैंगलोर में काम किया आपने सीमन बैंक में, तो वो बोलते हैं भी चलो ठीक है सीमन बैंक में तो काम किया, लेकिन बैंगलोर की ब्रीड वहां तक सुधार नहीं हो सकी, ब्रीड बैंगलोर में जरूर है लेकिन वहां उस लेवल तक नहीं पहुंच सकी जहां तक पंजाब की गई 80 लीटर तक पहुंच गई, तो उन्होंने खुद सिलेक्शन की है, और मैं बोलता हूँ टॉप लेवल की सिलेक्शन की है, और मैं उनको कम से कम नियर अबाउट 100 एनिमल दिखाए होंगे, फिर उन्होंने 10 एनिमल सिलेक्ट किए है, दोनों की दोनों गाय फर्स्ट में है सर, एक डेनमार्क की है सर, एक ब्रूट की है, और देखिए 2 दांत है, फिर बोलता हूँ सिलेक्टेशन ऐसे किया फार्मर ने, बाकी वास्तव में उनको पहचानती हूँ, उनको मैं बोला भी पंजाब में बहुत सारे डेयरी फार्मर आपने हमारा डेयरी फार्म में क्यों चूज किया, उन्होंने बोला भी आपका आपके पास गुड ब्रीड है जी, हमने मैं क्या गुड ब्रीड का आपको कैसे पता चला, वो बोलते हैं भी अपनी हर रोज वीडियो देखते हैं, जो आपके गाय के करेक्टर है ना वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं ब्रीडिंग में काम कर चुका हूँ, मैं सीमन बैंक में काम कर चुका हूँ, और ऐसी ऐसी गाय सिलेक्शन किया, और मैं उनको थैंक्सफुल करता हूँ, इन्होंने हमारा डेयरी फार्म चूज किया, हमारा डेयरी फार्म चूज किया, एक नॉलेज होते हुए पहले ही एनिमल उनके पास 50 के बब है, तो नॉलेज होते हुए हमारा डेयरी फार्म चूज किया। क्या रेट में जा रही हैं दोनों? सर दोनों के दोनों 2,10,000 में पेयर जा रहे हैं सर।
दूध दोनों का सर 40 लीटर ये 35 लीटर वाली ब्रीडा है, ब्रीड है जिसको बोलते हैं सर। आदमी का मन खुश हो जाता है, इतनी इतनी अच्छी गाय कहाँ से लेके आते हो। और फिर बोलता हूँ थैंक्सफुल हूँ इनका भी, इन्होंने लाखों डेयरी फार्म देखे लेकिन सिलेक्शन किया अपने को, एक ब्रीडिंग के मामले में सिलेक्शन किया। उनको बोला मैं हम कंपटीशन जीतते थे ब्रीडिंग का, मैंने उनको 2-4 सवाल किए अभी तब सिलेक्शन किया। नहीं वो होते हम आपके एनिमल के करेक्टर देखते थे, आपको काफी अच्छी नॉलेज है। मैं उनको बोला मेरी इससे तो बड़े हो आप, सीमन के ऊपर काम कर चुके हो। नहीं बोला भी आपकी पंजाब की नॉलेज हमारे से फिर भी पीछे है, पर उन्होंने टॉप लेवल के एनिमल्स खरीदे और थैंक्सफुल हूँ भी आपने पंजाब में हमारा डेयरी फार्म चूज किया। दो दो दांत बचे हैं सर और मन खुश हो जाता है ऐसे ऐसे एनिमल देखकर, और नाम तो बनेगा ही बनेगा, प्लस एक दिल को तसल्ली भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा भी एक अच्छी अच्छे फार्मर ने, बैंगलोर के फार्मर ने हमारा डेयरी फार्म चूज किया सर, प्लस पॉइंट बहुत है। मन को सुकून मिलता है, पैसा तो हाथों की मैला, पैसा आ जाए कल नहीं है, पैसे के पीछे ना तो पहले काम किया था ना अभी करना है। मैं नहीं बोलता मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, मैंने मार्जिन नहीं लिया, मार्जिन लिया लो मार्जिन से दिया। और क्योंकि दिल जीतना बहुत बड़ी बात हो जाती है, मैं आपको आगे सुनाऊंगा जो हमारे लिए वो दिल लेके आए ना, वो हमारे लिए दिल लेके आए तो वो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे ऐसी देख के, क्योंकि हमारे पंजाब में पगड़ी की शान बोलते हैं, वो टोपी वो सभी कुछ पहनाने के लिए हमारे को स्पेशल लेके आए हैं भी। आपने बहुत अच्छे, आप छोटी उम्र में बहुत अच्छी ब्रीडिंग के मामले में काम किया, जहां तक हमें बहुत चिर टाइम हो गया 50-50 एनिमल्स मार रहे हैं, वहां तक आपने कॉम्पिटिशन जीत लिया। मैं बोल उनको उनको मैं बोला भी मैं तो आपके आगे कुछ भी नहीं नॉलेज के आगे, जैसे उनको नॉलेज है रूमन की नॉलेज है सभी बीसेस लेवल की नॉलेज है, उनको बोला मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूं, पर उनको बहुत कुछ मैं बोलता हूं। कुछ कस्टमर हमें सिखा जाते हैं, कुछ सीख जाते हैं सर, और उनसे बातचीत करवाएंगे। आपकी हिंदी बहुत कम आती है। तो ये फार्मर है सर, बैंगलोर से आए हैं। हमारे पंजाब में क्या होता है, पगड़ी का बहुत ज्यादा सत्कार किया जाता है, और हर स्टेट की अलग अलग है, जैसे महाराष्ट्र की टोपी है, इनकी भी ये टोपी स्पेशल मान सम्मान लेके आए हैं। अगर देखो दिल जीता जा सकता है, फार्मर का पैसा नहीं ना साथ में जाता, ये दिल जीते हुए हैं फार्मर के, हमें ऑलरेडी दिल जीते हुए हैं और आगे जीते रहने हैं। फिर बोलता हूँ कस्टमर जितने जोड़ सके, जो इनका मान सम्मान है सर, इन्होंने मेरे को ये अपना मान सम्मान दिया है, ये बैंगलोर का सर मान सम्मान है जो कि पंजाब में आके देखे गए हैं सर। देखिए गाय लेना था, पैसा देना था, और ये चीजें प्यार से मिलती है, अगर आप बोलोगे भी ऐसे मिल जाएगी तो नहीं मिल सकती सर। तो ये फार्मर है सर, बैंगलोर से आए हैं, हिंदी थोड़ा सा हमको खुशी है सर, आपसे मिलकर खुशी है, आपका फार्म का खुशी है। ओके आपका जेंटलनेस खुशी है, आपका ये मुस्कुराहट खुशी है, आपका नॉलेज खुशी है, सभी मिला के हम इतना दूर से काय को आया बिकॉज ऑफ योर नॉलेज सर। सर आपके बैंगलोर में तो बहुत अच्छी ब्रीड मिलती है, पर उसके मामले में हमारी पंजाब नहीं, नहीं, नहीं क्या है ना, उसका मामले भी हमको ब्रीड का ही प्रॉब्लम मतलब नहीं है सर। आज मेरे विश्वास और नॉलेज व्हाट यू आर शेयरिंग टू द सोसाइटी ना वो वेरी इंपॉर्टेंट सर। ओके आई एम हैप्पी अबाउट इट, थैंक यू सर, थैंक यू डेफिनेटली सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये फार्मर थे सर जिन्होंने प्यार दिया सिर मत्थे सर, प्यार को और सभी चीजों के सिर मत्थे सर, ऐसे प्यार मिलता रहे सर, और आगे आगे आपको अच्छे अच्छे एनिमल दिखाते रहेंगे। और सभी फार्मर को बोलना चाहूंगा भी आप कहीं से भी लो, पर एक बार फार्म में जरूर विजिट करो, अच्छी नॉलेज के साथ ही एनिमल लो, किसी से भी लो। थैंक्स।